श्रीमद् भगवत गीता षोडशो अध्याय। अभयं सत्तव संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, अहिंसा सत्यम क्रोधस त्याग शांतिर पैशुनम दया भूतेश्व लोलुप्त्वम मार्दवम हीर चापलम। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदादि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। तेज क्षमः धृतिः शौचम् अद्रोहो नाति मानिता भवन्ति संपदं दैवीं अभिजातस्य भारत। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता माशुचः संपदं दैवी अभिजातो असि पांडव। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है, इसलिए हे अर्जुन तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। द्वभूत सर्गो लोकेस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे श्रेणु। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया है, अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरः
न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुर नैश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्चर्य रहित सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। एताम दृष्टिम वष्टभ्य नष्टात्मानो अल्प बुद्ध्यः प्रभवन्त्युग्र कर्माणः क्षयाय जगतो हितः। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। काम माश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्विताः मोहाद्गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः। वे दंभ मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। चिंताम परिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रितः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चितः। तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है, इस प्रकार मानने वाले होते हैं। आशा पाश शतैर्बद्धः काम क्रोध परायणः इहन्ते काम भोगार्थम् अन्ययेनार्थ संचयान्। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धनादि पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं। इदमद्यमया लब्धमिमं प्राप्सये मनोरथम् इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। असौ मया हतः शत्रुर् हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। आढ़यो अभिजन्मानस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य
इत्यज्ञान विमोहितः अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृतः प्रसक्तः काम भोगेषु पतंती नरकेषु च। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। आत्म संभावितः स्तब्धः धनमानमदान्वितः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेनाविधि पूर्वकम्। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्म पर देहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकः। वे अहंकार बल घमंड कामना और क्रोधादि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्य जस्त्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। आसुरीं योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर जन्म जन्म में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्। काम क्रोध तथा लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं, अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस् ततो याति परां गतिम्। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है न परम गति को
और न सुख को ही। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। श्रीमद् भगवत गीता सप्तदशो अध्याय। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्तवमाहो रजस्तमः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी की है अथवा राजसी अथवा तामसी? त्रिविधा भवति श्रद्धा देहि नाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम श्रेणु। श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है, उसको तू मुझसे सुन। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धां योयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है, यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणाशान्ये यजन्ते तामसा जनः। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। अशास्त्र विहितं घोरं तप यन्ते ये तपोजनः दंभ अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनः कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चोवन्तः शरीरस्थं तान् विद्धयासुरनिश्चयान्। जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम् तेषां भेद विमं श्रेणु। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी तीन तीन प्रकार के होते हैं, उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन।
आयुः सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृद्या आहारः सात्विक प्रियः। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कट्वम् लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहार राजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदः। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियं। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है और जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। अफलाकांक्षी भिर्यज्ञो विधि दृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है वह सात्विक है। अभिसंधाय तु फलम् दम्भार्थम् अपि चैव यत् इज्यते भरत श्रेष्ठतम् यज्ञं विद्धि राजसम्। परंतु हे अर्जुन, केवल दम्भाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तू राजस जान। विधिहीनम् असृष्टानम् मंत्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धा विरहितम् यज्ञम् तामसं परिचक्षते। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरम् तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। जो उद्वेग न करने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह
और अंतःकरण के भावों को भली भांति पवित्रता। इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। श्रद्धया परया तप्तम् तपस्तत्त्रिविधं नरेह अफलाकांक्षिभिर्युक्तेह सात्विकं परिचक्षते। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त तीन प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। सत्कारमान पूजार्थम् तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसं चलमध्रुवम्। जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थम् वातत्तामसमुदाहृतम्। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहा गया है। दातव्यमिति यद्दानम् दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम् सात्विकम् स्मृतम्। दान देना ही कर्तव्य है ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है वह दान सात्विक कहा गया है। यत्तु प्रत्युपकारार्थम् फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिकृष्टम् तद्दानम् राजसं स्मृतम्। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है वह दान राजस कहा गया है। आदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातम् तत्तामसमुदाहृतम्। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणास्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः पुरा। ओम तत्सत् ऐसे यह तीन प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए। तस्मादो मित्युदारित्य यज्ञदान तपः क्रियः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततम् ब्रह्मवादिनाम्। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत ज्ञान दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तदित्यानभिसंधायम् फलम् यज्ञ तपः क्रियः दान क्रियाश्च विविधः
क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिभिः। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सद्भावे साधु भावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। सत् इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति ही सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येव अभिधीयते। तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्य नो इह। हे अर्जुन बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। श्रीमद् भगवत गीता अष्टादशो अध्याय। सन्यासस्य महाबाहो तत्त्वं इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनीशूदन। अर्जुन बोले हे महाबाहो हे अंतर्यामिन हे वासुदेव मैं सन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम सन्यासम कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। श्री भगवान बोले कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को सन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। त्याज्यं दोष वदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम् इति चापरे। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त हैं, इसलिए त्यागने के योग्य हैं, और दूसरे विद्वान ये कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। निश्चयम् श्रेणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन सन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुन क्योंकि त्याग सात्विक राजस और तामस भेद से तीन प्रकार का कहा गया है। य
यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणां। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए, यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस् तामसः परिकीर्तितः। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। दुःखम् इत्येव यत् कर्म काय क्लेश भय त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागम् नैव त्याग फलं लभे। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। ना द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुणों से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। नहि देह भृता शक्यम् त्यक्तुम् कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यही कहा जाता है। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्य त्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे तीन प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है,
किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्य कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणा। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथिग्विधम विविधाश्च पृथिक चेष्टा देवं चैवात्र पंचमम। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैव कहा गया है। शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। मनुष्य मन वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण हैं। तत्रैवं सति कर्तारं आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमालोकान् न हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मार कर भी वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बंधता है। ज्ञानम ज्ञेयम् परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदनाम करणम कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय यह 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता करण तथा क्रिया यह 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावच्छृणुतान्यपि। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। सर्वभूतेषु येनैकं भावं अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है,
उस ज्ञान को तो तू सात्विक ज्ञान। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानम् नाना भावान् पृथिग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। यत्तु कृत्स्न वदे कस्मिन् कार्ये सक्त महेतुकम् अतत्वार्थ बदल्पं च तत्तामस मुदाहृतम्। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा उसे बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया। नियतम संग रहितम राग द्वेषतः कृतम् अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजस मुदाहृतम्। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। अनुबंधम क्षयम हिसाम अन्वेक्ष्यम च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। मुक्त संगोन हम वादी धृतयुत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता संग रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोकादि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। आयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः षठो नैष्कृतिको आलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता अयुक्त शिक्षा से रहित घमंडी धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला आलसी और दीर्घसूत्री है, वह
तामस कहा जाता है। बुद्धिर्भेदं धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधं श्रेणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार तीन प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम चाकार्यमेव च आयथावत् प्रजानाति बुद्धि ही सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। हे प्रथापुत्र, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा भय चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। सुखम त्विदानीं त्रिविधम श्रेणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यद्दग्रे विषमिव
परिणामेऽमृतोपमम्। तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। हे भरत श्रेष्ठ, अब तीन प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मिक विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। विषय इंद्री संयोगा द्यद्दग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। यदग्रे चानुबंधे च सुखं मोहनम् आत्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम् तत्तामस मुदाहृतम्। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीन गुणों से रहित हो। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणे। हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। शमोदमस्तपः शौचम् क्षान्तिर्राजवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् दानम् ईश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। शूर वीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम् वैश्य कर्म स्वभावजम्।
परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं, तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः, स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा वेदन्ति तच्छृणु। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्ध को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणात्तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्ध को प्राप्त हो जाता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषं अपि न त्यजेत् सर्वारम्भ हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृतः। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से आवृत हैं। असक्त बुद्धि ही सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है, उस नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मनं नियम्य च शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेषौ व्युदस्य च विविक्त सेवी लग्वाशी यतवाक् कायमानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं
कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। भक्त्या माम भिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम्। उस पर भक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादाद् वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चितः सततं भव। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा सम बुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। मच्चितः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादातरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारान् न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि। उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतेस्त्वां नियोक्ष्यति। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तेरा यह निश्चय मिथ्या है
क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इति ते ज्ञानमाख्यातम् गोह्याद् गोह्यातरं मया विमृश्येतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसे चाहता है वैसे ही कर। सर्वगुह्यतमं भूयः श्रेणु मे परमं वचः इष्टो असि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इसलिए यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम् ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इदं ते नात पस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम् न च माम यो अभ्यसूयति। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में
दोष दृष्टि रखता है उससे भी नहीं कहना चाहिए। य इमं परमं गोह्यं मद्भक्तेष्वभिदास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावानन सूयश्च श्रृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। कच्चिद्देत श्रुतं पार्थ त्वयेकाग्रेण चेतसा कच्चिद् ज्ञान सम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादं इमं श्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। व्यास प्रसादा श्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरा कृष्णात् साक्षात् कथ्यतः स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग के अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादं मे मम अद्भुतम् केशवार्जुन्योः पुण्यम्
हृष्यामि च मुहुर्मुहु। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम् अत्यद्भुतम् हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है।